हेलो स्टूडेंट, होप सो यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो हिंदी के लिए क्लास 11th हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, और हम सैम्पल पेपर इसी के थ्रू डिस्कस करेंगे ताकि हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाए, मॉर्निंग क्वेश्चन के आंसर पता चल जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, हमारा देखो दो सेक्शन होता है, सेक्शन वे ए और सेक्शन बी। ए सेक्शन होगा राइटिंग स्किल्स होगी उसमें, और सेक्शन बी होगा वो आपका बुक के क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन वन से आपके 17 नंबर आते हैं और सेक्शन बी से आपके आते हैं 23 नंबर। तो वेटेज ज़्यादा देखें तो सेक्शन बी की है, और सेक्शन बी में आपको करना क्या है, बस बुक्स चैप्टर्स को रीड करना है। ठीक है, तो आप उसमें अच्छे उसको अगर रीड कर लेते हो जो जो चैप्टर आपके सेकंड रूम में है, तो आपकी जो वेटेज है नंबर्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। आपके अच्छे नंबर, जैसे मान लो आपको कोई पेपर ख़राब गया तो उसमें कवर हो जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, शीर्षकों में से एक शीर्षक का दृश्य लेखन कीजिए, साप्ताहिक बाजार और वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य। ठीक है, देखो वो क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, दृश्य लेखन होता क्या है, आपके आँखों में आपने सामने सामने जो जो चीज़ देखी है ना उसको लिखना है। वो आपका वर्तमान काल में होना चाहिए पहली बात तो ये, ठीक है, वो टेंस में नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको किसी चीज़ का उल्लेख नहीं करना है। आप मतलब वैसा नहीं करना कि ज़्यादा डिटेल में बताना, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बस बात इतनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाजार का दृश्य लेखन कैसे लिखना है। यहाँ पर मैंने हिंट दे रखा है, हमारे क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार को बाजार लगता है, क्योंकि शुक्रवार को लगता है इसलिए इसका नाम शुक्र बाजार पड़ गया। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके यहाँ जो भी साप्ताहिक बाजार लगता है। इस बाजार में भाग लेने वाले दूर दूर से आते हैं, बाजार दोपहर बाद लगना शुरू हो जाता है, करीब 4 बजे मोहल्ले के लोग शुक्र बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। महिलाओं में तो यह बाज़ार खास लोकप्रिय है। ठीक है, आपको जैसे पता ही होगा महिलाओं के लिए जो वीकली मार्केट होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे दोपहर बाद दुकानदार अपनी अपनी दुकानें लगाना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे महिलाएं भी सखी सहेली के साथ बाज़ार में आना और चर्चा करना शुरू कर देती हैं। कुछ तो बाज़ार में घर का जरूरी सामान लेने के लिए निकलते हैं, तो कुछ ऐसे जो केवल बाज़ार में घूमने की इच्छा से ही चली आती हैं। दरअसल महिलाओं के इस बाज़ार से संबंध में कुछ मानसिकताएँ ऐसी हैं कि यह बाज़ार और बाज़ार से क्या है, सस्ती है और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बाज़ार में हर तरह का सामान मिलता है, यहाँ रेडीमेड गारमेंट से लेकर सुविधा तक मिलता है, यहाँ तक कि एक गली में सब्जी मंडी तक लगी होती है। क्योंकि बाज़ार सस्ता है इसलिए हमें आमतौर पर गरीब लोग ही सामान खरीदते मिलेंगे। दिन भर दिहाड़ीदार मजदूर चाहे पूरे हफ्ते पैसे ना मिले, शुक्रवार को जरूर मांगते हैं, क्योंकि उन्हें शुक्र बाज़ार जाना ज़रूरी होता है। ये बाज़ार महिलाओं के लिए भी इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि अगर ख़राब चीज़ निकल जाए तो अगले हफ्ते बदली जा सकती है। ठीक है, स्वयं मेरी माताजी इस बाज़ार में हर हफ्ते आती हैं। ठीक है, और कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खरीद लाती है, अकेली ही नहीं जाती, किसी ना किसी को ज़रूर ले जाती है। महिलाओं को चाहे कुछ खरीदना हो या ना हो, शुक्र बाज़ार का नशा ज़रूर होता है। इस बाज़ार का फ़ायदा तो अवश्य है कि भरोसे कितने ही लोगों के पेट पल रहे हैं। ठीक है, तो ये था एक तरह से फॉर्मेट कि आपको कैसे लिखना है ये। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर आप दृश्य लेखन आएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कैसे लिखना है। फिर उसके बाद पत्र आता है लिखने के लिए, पत्र तो आप देखो इजीली लिख सकते हो। पत्र में क्या आता है, एक तो आता है आपको यो मतलब आप किसी चीज़ में आवेदन के लिए पत्र लिखना होता है, तो उसका फॉर्मेट मैं आपको समझाता हूँ। देखो आवेदन के लिए पत्र लेखन का फॉर्मेट क्या होता है, पहले तो आपको सिंपल सा किसी जिस जहाँ भी आपको आवेदन करना है वहाँ के लिए आपको लिखना होगा। तो आप अपना पहले पता लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ठीक है, आप अपना पता लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर श्रीमान जो भी आप जिसको लिख रहे हो, फिर उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखोगे या फिर महोदय। फिर उसके बाद लिखना है आपको, आप विज्ञापन के माध्यम से आपके पत्र द्वारा हमें ये पता चला कि आपके यहाँ कोई वैकेंसी खाली है, तो मैं इस पद के लिए अपने आप को क्या मानता हूँ, योग्य मानता हूँ, तो इसलिए मैं इस पद के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, रिक्त पद को आवेदन करना चाहता हूँ मैं, इसके लिए अपने आप को क्या मानता हूँ, योग्य मानता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने अपने जो भी वो हैं क्या बोलते हैं रिज्यूम है वो अटैच कर रखे हैं। तो आप जो जो नीचे आपको लिस्ट कर देनी है आपने क्या क्या चीज़ें अटैच की है, और उसके साथ आपको एक रिज्यूम बनाना है। ठीक है, रिज्यूम को हिंदी में प्रवृत्ति कुछ करके बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या होना चाहिए, नाम पता डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर शैक्षिक जो योग्यताएँ होती हैं क्वालिफिकेशन है वो आपको कम से कम BEd तक रखनी है। ठीक है, क्योंकि टीचर के पद के लिए BEd नेसेसरी होता है, तो BEd तक आपको रखनी है। फिर उसके बाद आपकी हॉबीज़ लैंग्वेज ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पत्र का कवर यहाँ पे। फिर महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन लिखे। ठीक है, जांच समिति के लिए प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ। देखो प्रतिवेदन होता क्या है,
रिपोर्ट ही, एक तरह से रिपोर्ट को ही क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। तो जब भी आप किसी को किसी चीज़ के बारे में क्या करते हो, एक समरी तैयार करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है, देखो इसमें सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको पहले ना इसका ऑब्जेक्ट वो लिख लेना है, ऑब्जेक्टिव कि प्रतिवेदन आप बना क्यों रहे हो। ठीक है, कि महिलाओं का शोषण हो रहा था, उसके लिए उसको हम सुधारने के लिए हमें ये कर रहे हैं, समिति बना रहे हैं। फिर समिति के सदस्यों के नाम लिख देना कि ये इसके क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, ये इसके क्या है, वो क्या बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं, हेड है, ये अध्यक्ष हैं। तो 5-6 लोगों के नाम लिख के उनके हेड हैं, चेयरमैन है, जो जो है वो आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने जो ये बनाया है, क्या बोलते हैं, समिति बनाई है, उसमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो कम से कम 5 पॉइंट, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5 पॉइंट कम से कम आपको मेंशन करने हैं कि आपने क्यों बनाया है वो। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे सबके साइन होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका समिति का प्रतिवेदन का प्रारूप होता है। ठीक है, उसके बाद परिपत्र का सर्कुलर क्या होता है, तो ये भी बहुत ईजी, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें, जब कोई सूचना निर्देश एक साथ अनेक कार्यालय को प्रेषित की जाती है तो उसे परिपत्र कहते हैं। सूचना के लिए पुष्टि के लिए प्राय परिपत्र के साथ एक अलग नोटिस प्रेषित की जाती है। प्राय कार्यालयों में परिपत्र के मुद्रित फॉर्म होते हैं जिन पर उस कार्यालय का नाम मुद्रित होता है। मतलब सिंपल सा है, आपको किसी एक लोग को ना भेजकर बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे कार्यालय को आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए हम परिपत्र जारी करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये महिलाओं वाला, महिला आयोग की स्थिति वाला वो था। ठीक है, प्रतिवेदन जो था, ठीक है, तो प्रतिवेदन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने फॉर्मेट बताया वैसे भी, आपके सपोर्टिंग मटेरियल में वो फॉर्मेट दे रखा है तो आप उसका यूज़ करना जो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे प्रतिवेदन लिखने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, पटकथा लेखन में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद सेक्शन बी आता है। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, 23 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कवर कर लेना। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो मैंने आंसर नीचे दे रखे हैं, आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, इनफोकस स्टडी का नाम है इसका। ठीक है, वहाँ जाके आप ये इनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।